हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। देखिए, आज हम आपको जो ये ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का जो सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं भैया, उस ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का सोल्यूशन चैप्टर का आज हम पार्ट 19वां पार्ट आपको हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हम चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं उसको हम पूरा कम्प्लीटली आपको बता रहे हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा पार्ट देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये चैप्टर कब समाप्त होगा, तो भैया जब आपका पूरा टॉपिक हो जाएगा तो हम खुद ही बंद कर देंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको और चीज़ें नहीं इसमें बता रहे, जितनी भी टॉपिक है जब हमारी इच्छा हो जाएगी कि अब पूरा हो चुका है तो हम क्लोज कर देंगे आपको। तो आइए ध्यान दीजिए, पार्ट 19 इसका है। आज के इस टॉपिक में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नियम आपको बताने वाले हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हेनरी का नियम। ये एनसीईआरटी में भी है आपके यहाँ, और बहुत अच्छा एक नियम है, आप जान लीजिएगा। हेनरी नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था कि उन्होंने एक नियम क्या किया, गैस के अणुओं की जो संख्या होती है उसे, जिसे में क्या किया जाता है, विलेयता के आधार पर एक नियम का प्रतिपादन किया है। वो नियम क्या है, उस चीज़ को यहाँ पर ध्यान दीजिए। सन 1805 में क्या किया, विलियम हेनरी ने, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है हेनरी, उन्हीं के ही नाम पर यह नियम है, ध्यान दीजिएगा। विलियम हेनरी ने क्या किया था, निश्चित ताप पर, मतलब ताप को स्थिर कर दिया उन्होंने, और गैस के अणुओं की संख्या तथा दाब, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैसियस एवं प्रेशर, इसी गैस के अणुओं की संख्या को हम लोग कह सकते हैं गैस की एकांक आयतन में मात्रा या विलेयता। जितने ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वही उतने उसका ज्यादा गैस के अणुओं की मात्रा भी ज्यादा होगी। और उसके बाद क्या होता है, दाब, आंशिक दाब इसको हम कह सकते हैं। सबसे पहली चीज, सन 1805 में विलियम हेनरी ने क्या किया, निश्चित ताप पर गैस के अणुओं की संख्या तथा दाब, किन्होंने क्या किया था, दाब में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग क्या कहा करते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। भाई गैस के जो अणुओं की संख्या होती है और उस गैस के अणुओं से दाब में क्या किया, उन्होंने एक रिलेशन बताया, नंबर ऑफ मोल्स और उस गैस के अणु द्वारा जो लगाया गया प्रेशर होता है, इसको हम लोग आंशिक दाब कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, आंशिक दाब मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि गैस के अणु द्वारा लगाया गया एकांक सतह पर दाब ही कहलाता है आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो उन्होंने जो नियम बताया वो नियम क्या है, थोड़ा सा देखिए, यही से नियम है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलायक या विलायक के एकांक आयतन में विलेय, किसी विलायक के एकांक आयतन में विलेय गैस की मात्रा या गैस के अणुओं की संख्या, मान लीजिए कोई विलायक लिया गया है और उसमें क्या किया गया है, गैस के अणुओं को क्या किया गया है, डिसॉल्व किया गया है या उनको उसमें घोला गया है, तो गैस के अणुओं की जो कितनी उसमें क्या है, अणुओं की चाहे संख्या कहो चाहे क्या कहो, मात्रा, इसी मात्रा को उन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया है, यम से, या द्रव्यमान चाहे कह दीजिएगा, गैस की मात्रा या विलेयता। विलायक क्या किया कर सकता है, वो कितना अपने अंदर गैस के अणुओं को घोल सकता है, वही उसकी क्या होती है, विलेयता कहलाती है। कोई भी विलायक अपने अंदर कितने निश्चित ताप पर या स्थिर ताप पर जितने अणुओं की को क्या कर सकता है, घोल सकता है, वही उसकी विलेयता कहलाती है। तो इस नियम को पूरा अगर आप ध्यान देंगे तो विलेयता गैस के दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। एकदम सीधा सीधा सा नियम है कि विलायक में गैस के अणुओं की मात्रा यम और आंशिक दाब या दाब जो होता है वो उनके क्या होता है, समानुपाती होता है। जहां पे इसका मतलब क्या होगा, फिर से नियम देखिए, स्थिर ताप पर किसी विलायक के एकांक आयतन में विलेय गैस की मात्रा, विलेय क्या है, गैस की मात्रा, गैस के दाब, पूरा नियम तक समझ नहीं आया, जाए ही नहीं आगे। स्थिर ताप पर किसी विलायक के एकांक आयतन में विलेय गैस की मात्रा या विलेयता, स्थिर ताप पर किसी विलायक के एकांक आयतन में विलेय गैस की मात्रा या विलेयता, गैस की मात्रा या विलेयता को हमने किससे लिखा है, यम से, उसके मतलब जो गैस है उसमें घोली गई है उसके आंशिक दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है, या गैस के दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ये इतना नियम था। अब उसका मतलब क्या हो गया कि अगर गैस के अणुओं की मात्रा या विलेयता यम हो और दाब जो होती हो,
तो हेनरी के नियम के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, यम प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं, पी। और जब यहाँ प्रोपोर्शनल पी लिख सकते हैं तो यहाँ पे अब आप जब कांस्टेंट का चिन्ह हटाओगे तो सॉरी जब यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाओगे तो एक कांस्टेंट रखोगे तो ये हो जाएगा यम इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एच इंटू आपका क्या हो जाएगा, पी। अब यम तो आपको मालूम ही है क्या है, यम क्या है, गैस की मात्रा या क्या है, विलेयता है। और एच क्या है, हेनरी नियतांक, कुछ किताबों में केवल स्थिरांक कहा गया है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, चाहे के एच को आप स्थिरांक कहिए, एच हमने लिख दिया जिसका मतलब हेनरी के नियम का है, कांस्टेंट है। और फिर पी क्या होता है, ये क्या है, आंशिक दाब या गैस का क्या होता है, दाब होता है। एकदम सीधा सीधा सा है कि विलायक के एकांक आयतन में विलेय गैस की मात्रा, कोई विलायक है उसमें जितनी भी गैस आपकी विलेय है उसकी मात्रा, और उसके दाब, जो गैस को आप घोलोगे उसमें तो जो उसके द्वारा उत्पन्न किया गया हुआ दाब होगा उसके क्या होता है, वो समानुपाती होता है। एकदम सीधी सीधी सी बात है, अगर आपको एकदम देहाती बता दें तो जितना ज़्यादा गैस के मालिक्यूल होंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर उत्पन्न करेंगे, अगर जितना कम गैस के मालिक्यूल होंगे उतना ही कम प्रेशर उत्पन्न होगा, यही इतना हेनरी का नियम है, बस आप जान लीजिए। जैसे क्लास में कम स्टूडेंट है तो टीचर को कम परेशान होता है, दिमाग पे कम प्रेशर आएगा, और क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट हो गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़े नहीं, स्टूडेंट का जान लीजिए टीचर के प्रेशर बढ़ते जाते हैं, उनको परेशानियाँ, वही पूरा नियम है और कुछ है नहीं, एकदम सिंपल सा है, जान लीजिए। फिर से बता रहा हूँ, स्थिर ताप पर किसी विलायक के एकांक आयतन में, कोई विलायक है उसका निश्चित आयतन ले लिया गया है, उसमें विलेय या गैस की जो विलेयता है मात्रा वो गैस के दाब के समानुपाती है, मतलब जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे यम इंटू क्या हो गया, पी, और यम बराबर क्या होता है, के एच इंटू पी, जहाँ यम क्या है, गैस की मात्रा या विलेयता है, और पी क्या है, गैस का दाब, और के एच जो होता है वो क्या है, हेनरी आपका क्या है, कॉन्स्टेंट। अभी इस पे आपको हम एक न्यूमेरिकल भी बताएंगे, ये भी आप ध्यान दीजिए, हम आपको हर टॉपिक का एकदम डिटेल दे रहे हैं, इसीलिए हमारा भी जो वीडियो है उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं कि हम आपको छोटी चीज, आप इंटरमीडिएट तक ही पढ़ाई करके नहीं रहिए, आप आगे जा करके कंपटीशन की तैयारी कीजिए, नीट की तैयारी कीजिए, एडवांस दीजिए, जेई की तैयारी कीजिए, उस तरीके से हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको सारी चीज़ों की जानकारी पूरी डिटेल मिले, आप ये जान लीजिएगा। अब जैसे इसमें देखिए दिया गया है हेनरी के नियम का उपयोग, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता, पूछा गया है नियम, जान लीजिएगा, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हेनरी का नियम का उपयोग क्या है। तो हेनरी के नियम की उपयोगिता में देखिए, आपको सबको मालूम है कि जब कोई चीज़ समुद्र में जैसे गोताखोर होते हैं, जब वो जाया किया करते हैं नीचे, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, उनको हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण दिया जाता है। तो जो हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण हुआ करता है उसमें क्या हुआ करता है, हेनरी के नियम की सहायता से उनको आपस में मिश्रित किया जाता है। देखिए लिखा गया, गहरे समुद्र में गोताखोरों के लिए हीलियम एवं ऑक्सीजन गैस की मिश्रण का उपयोग श्वसन के लिए किया जाता है। तो ये आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हुआ करता है, इस तरीके से ये आपका हुआ करता है, पहला गहरे समुद्र में क्या हुआ करता है, जो आपके गोताखोरों के लिए क्या होता है, हीलियम एवं ऑक्सीजन गैसी मिश्रण का उपयोग जो होता है वो श्वसन की क्रिया के लिए किया जाता है। दूसरा जो इसका यूज है वो देखिए लिखा गया है, शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक जिसको आप लोग कहते हो, शीतल पेय एवं सोडा जल, सोडा जल, वाटर, सोडा जिसको कहते हो आप लोग जो पी रहे हैं, जान लीजिए उसमें CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए, जैसे ही आप कभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह को खोलते हो तो आप देखते क्या हो कि बहुत तेजी से उसमें से क्या हुआ करता है, देखिए जैसे ये कोल्ड ड्रिंक होता है आपका, ये जो सोडा वाटर होता है, इसमें अगर हमको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा बढ़ानी होती है, मतलब इसको कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज़्यादा सॉल्युबल हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बोतल जो होते हैं उनको अधिक दाब पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पे क्या किया करते हैं, उसको हम पैक करते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा प्रेशर पे क्या किया जाता है, उनको जब प्रेस किया गया रहता है तो जैसे ही आप खोलते हो तो कोल्ड ड्रिंक से आप लोग देखते हो ऐसे बाहर एक झोंक से निकलता किया करता है, तो वो प्रेशर है, ये जान लीजिएगा। और सबसे अगली चीज़ जो है आप ध्यान दीजिए, आपको मालूम होगा, हम आप अच्छी तरीके से भी जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस अंदर प्रवेश करती है, ऑक्सीजन गैस,
और जब ये ऑक्सीजन गैस हमारे फेफड़े में जाती है तो फेफड़ी की कूपिका जो होती है वहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है। ये बायोलॉजी वाले थोड़ा बच्चे ज़्यादा जानेंगे, लेकिन हम भी आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फेफड़े में क्या होती है, कूपिका में हीमोग्लोबिन होता है रक्त में, और ये ऑक्सीजन जैसे जाती है तो वो कूपिका में जो हीमोग्लोबिन होता है उससे ज्वाइन हो जाती है, और हीमोग्लोबिन से जुड़ करके एक अस्थायी यौगिक बनाती है, हाई स्कूल लेवल की बात है, उसका नाम होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, धमनी के माध्यम से शरीर के सभी अंगों में जाता है। इसके माध्यम से, धमनी के माध्यम से क्या होता है, शरीर के सभी अंगों में जाता है, और जब वो धमनी के माध्यम से शरीर के सभी अंगों में जाया किया करता है तो वहाँ पे जाने के बाद वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है। तो जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है वो, तो शरीर में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन चली जाती है और हीमोग्लोबिन फिर फ्री हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन गैस बहुत आसानी से टूटे, इस प्रक्रिया को यहाँ पे देखिए समझाया गया है। ऊतकों में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है, जो हमारी ऊतक होती है, टिश्यू होती है, वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या होता है, कम होता है। और जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है तो जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है, उस जो क्या होता है, वो ऑक्सीजन को बहुत आसानी से क्या कर देता है, इजीली क्या कर देता है, मुक्त कर देता है, और जो हमारे लिए बहुत ही क्या होता है, आवश्यक हुआ करता है। तो ये इतनी चीजें आपको बता दिया, ये चीजों को आप लोग याद रखिएगा। पहला बताया मैंने गहरे समुद्र में गोताखोरों के लिए हीलियम एवं ऑक्सीजन गैसी मिश्रण का उपयोग श्वसन की क्रिया के लिए किया जाता है, ये इनका हेनरी के नियम के ही कारण है, वो जिसके कारण अधिक मात्रा में उसमें हीलियम और ऑक्सीजन गैसों को भरा जा सकता है। शीतल पेय एवं मतलब कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर में क्या किया जाता है, CO2 की विलयता को बढ़ाने के लिए बोतलों को अधिक दाब पर सील किया जाता है। और फिर क्या होता है, ऊतकों में CO2 का आंशिक दाब कम होता है, जो टिश्यूज होती हैं वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है, जिसके कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को आसानी से मुक्त कर देता है। तो इस तरीके से राजू आपका ये क्या हो गया, हेनरी का नियम हो गया। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस आपको पूरी बातों को एकदम विधिवत तरीके से ध्यान देना है। अब इस पे आधारित हम आपको इसकी एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका इस पे आधारित हम एक आपको क्या बताने जा रहे हैं, चलिए देखिए ये हेनरी के नियम पे आधारित क्या है, एक न्यूमेरिकल आपको हमने यहां पर बताया हुआ है, इसे आप ध्यान से देखिए इस न्यूमेरिकल को। पहली बात तो आपको हेनरी के नियम का अगर न्यूमेरिकल पढ़ना है तो PM बराबर KH × P मालूम होना चाहिए, उसके बाद ही आपको ये न्यूमेरिकल मालूम रहेगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है 1 बिलियन जिसमें 6.56 × 10⁻³ ग्राम एथेन है, मतलब कि कोई एक सोल्यूशन दिया गया है उसमें आपको इतना क्या है, एथेन उपस्थित है। ये जो है शुरुआती में ध्यान दीजिएगा, ये यंग की वैल्यू आपको दिया गया शुरुआत का एकदम, और फिर इसका आंशिक दाब क्या है, 1 bar है। तो अब आप ध्यान दीजिए, फिर कह रहा है यदि बिलियन में 5×10⁻⁶ हो तो 6 gram क्या हो, एथेन हो। फिर कह रहा है 6 gram क्या हो, एथेन हो, तो गैस का आंशिक दाब ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब एकदम सीधी सी बात है कि 1 bar आपको यहां पर दिया गया है, इससे आपको क्या कर लेना है, इस सहायता से आपको KH का मान निकाल लेना है, जो हेनरी कांस्टेंट है उसका मान आपको यहां से निकाल लेना है। और यहां से जब पहली बार से आप हेनरी कांस्टेंट का मान निकाल लोगे तो वो जो आपका मान आएगा उसकी सहायता से इसको आप क्या मान लोगे, फिर EM, और फिर आप क्या कर सकते हो, आंशिक दाब को लगा सकते हो। यही हम बता रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये जो पहली बार दिया गया है EM है और ये आंशिक दाब भी दिया गया है, इससे आप KH का मान पहले निकाल लीजिए, और KH का मान निकालने के बाद फिर आप बड़ी आसानी से P का मान निकाल सकते हो, क्योंकि ये EM का मान आपको दिया गया है, यही हम बताना चाहते हैं। तो देखिए यहां पे हल किया है मैंने, हेनरी के नियमानुसार M बराबर क्या है, KH × P, ये मालूम है आपको। तो जो M की वैल्यू है, ये पहली बार ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने रख दिया 6.53 × 10⁻³, और फिर KH का मान आपको निकालना, क्योंकि 1 bar दिया गया है, यहां पर 1 bar लिख दिया P का मान इसमें, और फिर आपने KH का मान निकाल लिया, तो KH का मान निकल के कितना आ गया आपका बताइए, ये आया हेनरी नियतांक का मान, ये आ गया।
और अब हम क्या किए, यम का मान आपको दिया गया है, यम बराबर 5 × 10⁻², और पी का मान क्या कर रहा है, मतलब फिर आपसे पूछ रहा है गैस का आंशिक दाब क्या होगा। तो आप बड़ी आसानी पूर्वक से देखिए, ये हो गया के एच निकाल लिया आपने, यम मालूम हो गया, पी आप निकाल सकते हो। तो फिर वही नीचे देखिए लिखा गया, ये हेनरी के नियम अनुसार यम बराबर क्या होता है, के एच इंटू पी। तो जब यम बराबर होता है के एच इंटू पी, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, यम अपान के एच। पी बराबर क्या हो जाएगा, यम अपान के एच। तो आप वैल्यू को रखिए और पुट करेंगे तो आपको जो इसका आंसर मिलेगा पी का, वो कितना मिल जाएगा आपका, 7.62 बार आपको देखने को मिलेगा। तो ये सवाल में बस इतना करना है, पहले इसको आप यम को मान को, इसको पी के मान को, के एच का मान निकाल लीजिएगा, फिर पी ये दिया ही गया है, के एच आपको मालूम भी हो जाएगा, और बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हो, इसको हल कर सकते हो। आप इसकी भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए अब इसके आगे कुछ एनसीईआरटी के हम आपको न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं, जो एनसीईआरटी पर बेस्ड आपके अंकित प्रश्न है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का ही न्यूमेरिकल है, देखिए सवाल है ये, जब 6.5 ग्राम एस्प्रिन, एस्प्रिन का ये सूत्र होता है C3 अणुसूत्र है C3H8O4, जब 6.5 ग्राम एस्प्रिन को C3H8O4 को 450 ग्राम मेथिल साइनाइड में घोला गया, 450 ग्राम क्या है, मेथिल साइनाइड CH3CN में क्या किया गया, इसको घोला गया है, तो एस्प्रिन की आपको क्या ज्ञात करना है, भार या द्रव्यमान प्रतिशतता क्या करना है, ज्ञात करना है। यही न्यूमेरिकल है आपके सामने, मैंने आपको देखिए द्रव्यमान प्रतिशतता बताया था, द्रव्यमान भार प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बताया था, तो उस पे आधारित आपको अब न्यूमेरिकल भी धीरे धीरे आपको बता रहे हैं, और आज हम आपको न्यूमेरिकल ही बताएंगे, और इसके बाद भी आपको कुछ जैसे छोटी छोटी परिभाषाएं हैं उसको भी बताएंगे, और इसके बाद आपका ये 19वां आज है, तो 20 इसमें हम क्या करेंगे, एक लास्ट चैप्टर टॉपिक आपको बताएंगे, 1/2 फैक्टर वो बता देंगे, इसके बाद इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। तो अब हम आपको बता रहे हैं, यहां ध्यान दीजिए, इस न्यूमेरिकल को अगर आप समझेंगे, तो जब 6.5 ग्राम एस्प्रिन है, मतलब ये क्या है आपका, विलेय है, जिसकी मात्रा कम है वो क्या है, विलेय है, और ये 450 ग्राम है, इसका मतलब क्या है, ये विलायक है। दो भाई आपको मैंने बताया, जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो क्या होता है, आपका विलायक होता है। तो इस आधार पे भी तो हम पहचान सकते हैं, जिसकी मात्रा कम है वो विलेय है, जिसकी मात्रा ज्यादा है वो क्या है, आपका विलायक है। और द्रव्यमान प्रतिशतता का हमको पहले फार्मूला मालूम होना चाहिए, तो फार्मूला आपका क्या होता है, देखिए द्रव्यमान प्रतिशतता पहले फार्मूला ले लेते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर, ध्यान दीजिएगा, विलेय का भार, ये किसमें रहता था, ग्राम में, और अपान क्या होता है, विलयन का भार, क्योंकि भार प्रतिशतता में दोनों का भार दिया जाता है, तो विलेय का भार ग्राम में, अपान क्या हो गया, विलयन का भार ग्राम में, और गुणे क्या था, 100, यही फार्मूला है भाई, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर यही होता था, विलेय का भार ग्राम में, और फिर क्या है, विलयन का भार ग्राम में, और आयतन प्रतिशतता बराबर क्या था, विलयन का आयतन मिलीलीटर में, विलेय का आयतन मिलीलीटर में, विलयन का आयतन मिलीलीटर में, ये चीज आपका होता था, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता में क्या होता था, ये विलेय का भार होता था, और विलयन का आयतन लीटर में हो जाता था। ये आपको मैंने शुरू के वीडियो में प्रोवाइड किया है, जिन बच्चों को अगर इस फार्मूले की समस्या हो रही है वो जाकर के आप उसमें जाकर के वहां पे इसको पहले देख लें, तब यहां पे समझें इसको, और इनको मालूम हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये तो हमारा हो गया द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर फार्मूला, तो विलेय का भार देखिए जो प्रश्नानुसार दिया गया है, प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, विलेय का भार, प्रश्नानुसार विलेय का भार आपको दिया गया है 6.5 ग्राम, ये हो गया, और मैंने बताया जो 450 ग्राम है ये आपका क्या है, विलायक का। तो ये बच्चे सोचते हैं कि ये पूरा विलयन का है, नहीं, विलयन का मतलब होगा कि विलेय और विलायक दोनों ऐड करोगे तब आएगा। तो पहले हम ध्यान दीजिए, यहां पर प्रश्नानुसार हो गया विलेय का भार, अब यहां लिखेंगे विलायक का भार,
विलायक का भार कितना दिया गया है? 450 ग्राम। ये हो गया। अब लेकिन हमको चाहिए किसका? विलयन का भार। तो आपको मालूम है इस चीज को अच्छी तरीके से कि विलयन का भार बराबर क्या हो जाएगा? विलेय का भार, विलेय का भार प्लस विलायक का भार। ये हो गया। अब विलयन, विलेय का भार कितना होता है राजू? दिया गया 6.5 और प्लस ये हो गया 450 विलायक का, ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 456.5 ग्राम। अब जो ये आया आपके सामने, ये हो गया आपका विलयन का भार। अब मेरे हिसाब से आप लोग बड़े आसानी से ही इसको आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। आप ध्यान दीजिएगा। तो अब आप आ जाइए, देख लीजिए सवाल को पूरी। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा बताओ? यही फार्मूला लिखेंगे ना, विलेय का भार, यहां पे ऐसे लिख देना ग्राम में, अपान इंटू कितने से गुणा होगा? सौ से। यहां हो जाएगा विलयन का भार। क्यों? और ये भी किसमें है? ग्राम में। ये 100 से मल्टीप्लाई है। अब आप चलिए, विलेय का भार कितना है? 6.5। अब जो बच्चे यही 450 रख देते गलत हो जाता उनका। और फिर कितना है ये 6.5? यहां फिर दिया गया है 456.5 और इसमें गुणा कितना हो गया है? 100 से। अब आप इसको हल करिए। अब आप हल करेंगे तो ऊपर नीचे देखिए सेम अंक पे है, तो हो जाएगा 665 और ये हो जाएगा, इसमें जीरो बढ़ा दीजिए 1, 2 और ये हो जाएगा आपका ये 45 और ये हो गया 65। अब आप इसको भाग दीजिए जो आपको ये दिया गया है, तो भाग देंगे तो लगभग 1 करके ऐसे आएगा 1.424%। ये इस सवाल का हल है। तो इस सवाल में अगर आप देखे होंगे तो बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन बच्चे क्या किया करते हैं, 450 ग्राम यहां रख देंगे और गड़बड़ कर जाएंगे, क्योंकि जो विलयन का भार होता है उसका मतलब होता है विलेय और प्लस विलायक। जब दोनों चीजें ऐड की जाती हैं तब विलयन का भार आता है। तो हमने बड़े आराम से विलयन का निकाल लिया, फिर विलायक का दिया ही गया था और विलेय और विलायक का हमने जोड़ दिया तो विलयन का आ गया। और फिर उसके बाद तो हल करना तो मेरे को मालूम ही है, आपने हल कर लिया और यहाँ पे किसमें आ गया प्रतिशतता। तो अगर आपसे कहा जाए तो ये जो आया हुआ ये क्या आया जानते हो? W अपॉन W की परसेंटेज कितनी है? 1.424%। देखिए ये भी एक एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल है, आपके यहां कह रहा है 0.15 यम मेथेनॉल के, ध्यान दीजिएगा 0.5 यम मेथेनॉल के 250 मिलीलीटर विलयन बनाने के लिए आवश्यक बेंजोइक अम्ल की मात्रा की गणना कीजिए। सवाल कह रहा है 0.15 यम मेथेनॉल के 250 मिलीलीटर विलयन बनाने के लिए आवश्यक बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H5COOH। ये मालूम है, ये है बेंजीन रिंग और इसी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर यही COOH ग्रुप लगा रहता है तो उसी को हम लोग बेंजोइक अम्ल कहते हैं। तो ये जो बेंजोइक अम्ल है इसी की क्या कह रहा है? मात्रा की पूछ रहा है। मतलब जो बेंजोइक अम्ल है ये विलेय है, कितना उसमें बेंजोइक अम्ल घोला जाएगा इसी की मात्रा आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। पूरी सवाल को ध्यान देंगे तभी समझ में आएगी। 0.15 यम मेथेनॉल के 250 मिलीलीटर विलयन, मतलब ये विलयन का आयतन दिया गया है मिलीलीटर में है और ये मोलरता यम जो दिया गया है ये मोलरता आपको दे दी गई है। यम का मतलब ये मोलरता है, नहीं तो जो मेथेनॉल कह रहा है तो ये विलय
हो गया, नहीं ये मूलरता दी गई है। बनाने के लिए आवश्यक बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल की आपसे मात्रा मतलब विलेय पदार्थ का भार पूछ रहा है। तो यहां पे आपका ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, विलेय का भार क्वेश्चन मार्क और विलेय का अणुभार, और विलेय यहां पे क्या होगा, विलेय का अणुभार मतलब C6H5COOH। अब आप इसको अगर हल करेंगे तो कार्बन का होता है 12, 12 गुणे 6, 5 हाइड्रोजन का हो गया और इस कार्बन का भी 12 और फिर इसका 16, इसका 16 32 और प्लस 1, अब आप हो गया ये 72 और ये प्लस 5 और ये प्लस 12 और फिर ये 32 है, कितना हो गया 33। आप ऐड करिएगा तो ये 122 आपको देखने को मिलेगा। और फिर क्या दी गई है, मोलरता, मोलरता देखो ये मोल लिखा गया तो ये हो गया 0.15 और ये आयतन दिया गया है, विलयन का आयतन कितना दिया गया है भैया, 250 मिलीलीटर। इतनी चीज तो पहले आपको मालूम होना चाहिए, ये मोलरता दी गई है, मोलरता 0.5 और आयतन कितना दिया गया है, विलयन का आयतन 250 मिलीलीटर और अणुभार बेंजोइक अम्ल है तो बेंजोइक अम्ल का फार्मूला होता है C6H5COOH, तो आप निकालोगे तो 120 आएगा, निकालना आपको मालूम होना चाहिए। तो अब हमसे पूछ रहा है कि विलेय का भार मतलब इसको कितना घोला जाएगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके मोलों की संख्या को निकाल लेंगे। तो मोलों की संख्या देखो फार्मूला होता है हमारा शुरू में, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, अगर हम लीटर में रखते हैं तो यहां से 1000 में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आपका फार्मूला है, ये फार्मूला सबको मालूम है शुरू का, मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे 1000 कर सकते हो जब यहां आयतन को रखोगे लीटर में, तो ये हो गया। अब मैंने केवल क्या किया है, पक्षांतर किया है, विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता गुणे विलयन का आयतन, और अब ये तो है लीटर में, इसमें है ये लीटर में, तो अब यहां क्या हो जाएगा, ये 1000 कहां चला आया, नीचे। अब आपको मोलरता दी गई, हमको पहले मोलों की संख्या चाहिए, इसकी संख्या चाहिए मोलों की संख्या, अगर बच्चे चाहते तो डायरेक्ट भी रख सकते थे लास्ट वाला फॉर्मूला लगा करके, यहां भार बटे अणुभार रख करके फिर विलयन का आयतन लीटर में और बड़े आराम से मोलरता को उधर करके पचहत्तर करके तब भी लग जाती सवाल, लेकिन मैंने छोटा तरीका किया है तो इसको भी आप ध्यान दीजिए। विलेय के मोलों की संख्या बराबर मोलरता गुणे विलयन का आयतन, ये हो गया। अब आपको मोलों की संख्या हल किए तो आपको मिल गया 0.375। अब जब 0.375 मिल गया ये मोलों की संख्या, तो आपको मालूम है मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार, और यही भार हमसे पूछ रहा था, मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार, यही मोलों भार संख्या पूछ रहा था हमसे। तो विलेय का भार बराबर क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या बटे विलेय का अणुभार, तो मोलों की संख्या तो आपने निकाल रखा है 0.375 और अणुभार आपको आता है 122 आता है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.6575 ग्राम आएगा। इसका मतलब जो आवश्यक बेंजोइक अम्ल है वो आपका कितना है, 4.575 ग्राम, इतना क्या होता है बेंजोइक अम्ल आपका क्या होता है, आवश्यक होता है।